बहुत अच्छा लग रहा है। बिग बॉस जहाँ पे मैं हमेशा से जाना चाह रही थी, एक सपना जैसा था, और उस घर से सिर्फ 15 अलग अलग लोगों के बीच रह के 3 महीना बिता के जब अभी मैं फाइनली BIPL हो रहा है, हमारी भोजपुरी टीम के इस अच्छी तरह से खेले जाने वाले इस क्रिकेट मैच में मैं आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं हालांकि मैं ऑब्वियसली आप सभी को पता है मैं विक्रांत को ही सपोर्ट करूंगी डेफिनेटली, अब तो मतलब जग जाहिर है। तो अच्छा लगा, पहला इनिंग्स ख़त्म हो गया है, आई विश हम लोग ही जीते, ये लोग बहुत अच्छा बॉलिंग करे, और दिनेश जी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है वो हार जाएंगे, ये तो बुरा लगेगा, बट क्या करें, गेम इज गेम, किसी ना किसी को हारना ही है, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, जैसा बाहर से दिखता है वैसा बिल्कुल अंदर से नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके आई हूँ बाहर। पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे मतलब बिग बॉस घर में बुलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी गई, फिर लग रहा था कि मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊँगी, लेकिन वो भी मैं 14 हफ्ता बिता के आई हूँ, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिग बॉस ने मेरी शादी करा दी। क्या लगता है कौन जीतेगा फिनाले? आपके हिसाब से फिनाले अभी बस अभी 3-4 दिन ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं किसी को भी बोल पाऊंगी, ऑडियंस भी डिसाइड करने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही होगी, बट मेरे दो दोस्त वहाँ अंदर है, मुझे डेफिनेटली मैं उन लोगों को पहला चाहूंगी कि वो दोनों में से कोई एक हो जाए। जिस तरह से ओम स्वामी ने घर में धमाल मचाया था, बाहर भी आने के बाद उन्होंने कहा था सलमान खान को मैंने झापड़ मारा था, क्या सच है? ओम स्वामी के बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती, आई थिंक इंडिया में कोई भी उसके बारे में कुछ भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि सबको पता है वो कितने बड़े पागल है, और घर में तो हाँ बहुत ज्यादा टॉर्चर कर ही दिया था, इतनी औकात तो मतलब उस आदमी में नहीं है कि वो सलमान सर को थप्पड़ मारे। प्लैनेट भोजपुरी।